गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था तो ऐसा किम वदनती है जब उनका जन्म हुआ तो किसी ज्योतिषी ने कहा या तो ये बहुत बड़ा राजा होगा या बहुत बड़ा वैरागी होगा घर छोड़ देगा तो उनके पिताजी ने ऐसे प्रबंध किए कि वो महल से बाहर ही नहीं जाए कुछ दिखाई नहीं उनको वैराग्य का सामान तो राजकुमार सिद्धार्थ ने किसी बूढ़े को नहीं देखा किसी मृत्यु को नहीं देखा या तो बहुत बुढ़ापे को देख के होता है या फिर मृत्यु को देख करके होता है या बहुत कष्ट देखते देख करके होता है तो किशोरावस्था में या लगभग युवावस्था में किशोरावस्था में लगभग अपने सारथी छंद से कहा आज तो भ्रमण करने जाते हैं बाहर तो बाहर जा रहे थे एक बहुत वृद्ध आदमी जिसको जरावस्था बोलते हैं शिशु अवस्था बाल अवस्था किशोर अवस्था युवावस्था वृद्धावस्था फिर जरावस्था शरीर में झुर्रिया ही झुर्रिया हों दांत भी नहीं हो बाल भी एक भी काला नहीं हो आंखों से दिखता नहीं हो लाठी लेके झुक कर के चले उसको कहते हैं जरावस्था तो राजकुमार ने ऐसा कभी देखा ही नहीं था तो उसने वे सारथी से पूछा कि ये कौन है कि ये मनुष्य है कैसा क्यों हो गया झुकके क्यों चल रहा है इसकी जरावस्था है कि जरावस्था क्या होती है कि यही होती है जो दिखाई दे रही है दृष्टि मंद पड़ जाती है सारे दांत गिर जाते हैं इंद्रियां काम नहीं करती और कमर झुक जाती है शरीर में बल रहता नहीं तो सिद्धार्थ के मन में एक विचार आया कि आज मैंने जरावस्था को देखा इस पर गुप्त जी ने कविता लिखी मैथिषण गुप्त में न हिंदी के राष्ट्र कवि <coughs> देखी मैंने आज जरा उनकी पत्रिका नाम यशोधरा था सिद्धार्थ की देखी मैंने आज जरा क्या ऐसी ही हो जाएगी मेरी यशोधरा देखी मैंने आज जरा समझी मैंने आज जरा समझ गए महेंद्र अर्थ आज मैंने बुढ़ापे को देख लिया क्या मेरी यशोधरा पत्नी ऐसी हो जाएगी क्या मिट्टी में मिल जाएगा क्या मिट्टी में मिल जाएगा वर्ण सुवर्ण खरा सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा देखी मैंने आज जरा समझी मैंने आज जरा सौ सौ रोग खड़े हैं सम्मुख जो पशु बांध परा जिंदगी में सैकड़ों रोग है मनुष्य को प्राणी को ऐसे बांध लिया जैसे पशु को बांध देते हैं कभी कोई रोग आता है कभी कोई रोग आता है जैसे मुझे बांध लिया सौ सौ रोग खड़े हैं सम्मुख जो पशु बांध परा धिक मेरे रहते जो मेरा यौवन जाए हरा देखी मैंने आज जरा समझी मैंने आज जरा वो कहता मुझे धिक्कार है जीवन को जो मेरे रहते कोई मेरी जवानी को छीन ले जाएगा ये कैसा जीवन पर अंत में लिखा गुप्त जी ने रिक्त मात्र क्या सब भीतर से बाहर भरा भरा रिक्त मात्र क्या सब भीतर से बाहर भरा भरा कुछ न किया यह सुना भव भी यदि मैंने न तरा देखी मैंने आज जरा समझी मैंने आज जरा क्या ऐसी ही हो जाएगी मेरी धरा देखी मैंने आज जरा वो सोचने लगा कि यही यही जीवन है जैसे ये बूढ़ा जा रहा है यही यही होना है तब तो, तो अंदर से सब खाली है बाहर भरा भरा दिखता है मैं जवान हूं मैं ये हूं आदमी सोचता नहीं है सोचने वाले विरले होते हैं बुढ़ापा बहुतों ने देखा लेकिन सिद्धार्थ बुद्ध बन गए मूर्तियों पर गंदगी करते चूहों को कईयों ने देखा लेकिन मूल शंकर दयानंद बन गए उन्होंने भी बहन और चाचा जी की मृत्यु को देखा तो वैराग्य हुआ ने। किसी की मृत्यु होती तो सबको लगता थोड़ी देर जब कांजी की मृत्यु हुई थी तो पारस राजू महेंद्र मिथुन सबके चेहरे अलग टाइप के थे अंत्येष्टि करके आए थे दो दिन अलग रहे फिर वापस वही इसका मतलब नहीं कि जिंदगी में रोते रहें, ऐसा नहीं लेकिन यह आवश्यक हमको सीखना आवश्यक चाहिए कैसे जिए किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय से पुस्तक मिली पढ़ने के लिए और उसको कहा गया पंद्रह दिन में वापस देनी तो एक तो वे होंगे जो चिंता ही नहीं करेंगे कि पंद्रह दिन बाद पुस्तक वापस देनी है, मस्ती से खेलेंगे कोई परवाह नहीं किताब दी तो दी कोई बात नहीं लेगा तो लेगा को उन्हें पता ही नहीं ले भी लेगा वो सोचते हैं, मैं इसका मालिक हो गया और एक वे होंगे वो यही चिंता करते रहेंगे रात दिन के पंद्रह दिन बाद देना आए पंद्रह दिन बाद देना आए देने यही रोते रहेंगे लेकिन तीसरे वे होंगे क्या पंद्रह दिन के लिए तो दी है तब तक खूब पढ़ो इसका पूरा सदुपयोग करो ऐसे ही लोग वास्तव में मनुष्य होते हैं केवल यह सोच करे कि मरना है मरना है इसलिए कुछ नहीं करना ऐसे भी हुए बीच में ऐसे भी भक्त हुए मलुक दास हुए मलुकदास उनमें से एक है कि कुछ नहीं करना अजगर करन चाकरी पंछी करन काम दास मलुक का कहे गए सबके दाँत आराम अजगर किसी की नौकरी नहीं करता किसी के बिल में घुस जाता है किसी खा के पेट भर लेता पड़ा रहता कोई काम नहीं करता और पक्षी भी कोई काम नहीं करते इनको भी भगवान भोजन देता है इसीलिए कुछ नहीं करना भगवान का भजन करना एक तो भी मनुष्य अब कुछ ऐसे भी हैं, जो भगवान होता क्या ये विचारने का अवसर ही नहीं है और कोई तो नीत से एक दार्शनिक हुआ नीच से वो कहता था ईश्वर कुछ नहीं है अगर ऐसा ईश्वर कोई होता भी है तो उसे मार डालेंगे वो तो ईश्वर तो नहीं मरा निश्चित दुनिया में नहीं है वो ऐसे कहते कहते कितने तो चले गए